ना होवे तेरी अपनी हयाती दी बेड़ी बोड़ जावे। क्यों नूरिया? पहले खाली जुत्ती पालिश कर, असी मलिक साहब के वकील ने मिलन जाना। कोई गल नहीं चाचा, पहले तू इन्हों का काम कर दे। मैं आवाम च बह के अखबार पढ़ना, जुत्ती गल के मैं आवाज मार दी। लाओ एक नई खबर सुनो, कत्ल के चार खतरनाक कैदी जेल से फरार हो गए। और यह खबर सुना के सीधे पंप का पार लाओ बना दिता यार। पूरी लाटो कंपनी लिया। किस झूठ नूं पै समझांदे हो? मैं शराबियां
ਬਹਾਦਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਫਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸਤ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਰਿਸਕੇ ਹਲਾਲ ਖਾਏ। ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ ਬਹੁਤ ਯੂਸਫ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਯਕੀਨ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਯਕੀਨ ਭੱਟੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਆਇਆ। ਬਹੁ ਜੀ ਜੁੱਤੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਲਾਈ ਖੁਦਾ 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 ਖਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਝੂਠੇ ਬਦਮਾਸ਼। ਔਰ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਿੱਖ। ਉਹ ਕੀ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਪਾਉ ਸਨ ਚਾਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐ ਸਨ ਠਾਫੀ ਦੀ ਏ ਦੁਨੀਆਂ ਚੱਲ ਤੇ ਬਾਮਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦਾ ਤੇ ਹਵਾਮ ਗੈਰ। ਓ ਭਾਈਆ ਐ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰ। ਓ ਡੈਡੀ ਕੀ ਭਰਵਾਨ ਜੀ ਉਹ ਬਾਹੂ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੱਦਾ ਹੋ ਜਾ ਮਾਰ। ਆ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬਾਹੂ ਫਾਇਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾ ਤੇ ਬਾਹੂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਨੋਟ ਭੁੱਲ ਜਾ ਤੇ ਹਦਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਪੱਪ ਦੀ ਭਿੰਨ ਕੱਟਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ ਹੈ ਮੂੰਗੀ ਮਸਰ ਦੀ ਦਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਲਓ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਲ ਇਹ ਰਾਣੋ ਦੀ ਸੂਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਗੋਲ ਖੰਡ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਮੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਲਿਆਣੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਦੀਏ ਪਹਿਲੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ ਫਿਰ ਲੈਣ ਜੁੱਤੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਮਲੀਏ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਹੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਇੱਕ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਮਰ ਜਾਣੀ ਇਧਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਕਤ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਥਰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੋਣੀਆਂ ਗਮ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਆਖੇ ਚਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੁਦਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵੰਡਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ ਅਕਸਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਗਿਆ ਲਾਲਾ ਤੇ ਲੱਡੂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਬੇਵਕੂਫੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਬਹੁਤ ਖਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਦੰਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਦਾਲ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਜਾਵੇ ਆ ਲੱਲਾ ਤੇਰੀ ਦਾਲ ਪੀਣ ਖਰਤੀ ਕੇ ਦੱਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚਾਰ ਲੱਡੂ ਲਿਆ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ। ਸਾਰੇ ਰੇਖਾ ਮੰਦੇ ਦੇ ਲਾਲਾ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਖਤਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਪੈ ਹੈਂ ਹੈਲੋ ਮਾਂ ਜੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ
हनेर खुदा दा कपड़े पाने दे बहाने चार बरी कोठे ते आ चुकी हैं। और जा थल्ले चली जा, आज साडे को कोई टाइम नहीं, अज असि अपनी कबूतरी नु नवीं झांजड़ा पानियां ने। अच्छा साडे कोल टाइम नहीं हैगा, साडे कोल ते कबूतरियां चंगीआं होईआं, पूरा एक महीना हो गया और देवां दी जोड़ी लिखिआ सी ओह ते याद नहीं रहा, पर कबूतरां दीआं झांजड़ां लैणीआं याद रह गईआं सन। इह तां अपने अपने प्यार दी गल है, जे तेरे एहो टॉटरी करे ना ते मैं एक दिन सा छड़ के मर जाऊंगी। मर जाएंगी तो असीं दूसरी लभ लांगे। होर लभ लांगे मैं कहनी हूँ पहले पास वापस ले, नहीं तो मैं चली हूँ गली छाल मारा। तू छाल ना मारी, अब मैं अपने अल्फाज वापस लेना। अब पागल खानी है बेलता सी, मैं तेली लेके की आया, पागल जी गल सुन दी नहीं है। यानी ये उधर छाल मार दी तो तेरा कख नहीं सी लबना, एला नाल लड्डू खा। पहले दस है कि कादर है, तेरे खावाई। अब तेरे पास जल्दी खुशी चे, इधर जो नाराज हो मैंने कड़ी गाले। ओ मेरी तरक्की हो गई है कमलिए, मैं हेड क्लर्क हो गई हूँ। आहो अल्लाह फल खा बाला, मेरे तो बचा कर रखी। ओ मरवा दे तेरी ना फड़के। बस डर गया है ना? और डर नहीं रहा, छोटिया को शर्म आ रही है। शर्म आ रही तेरी, शर्म एक दिन लानी पवेगी। माफी चाहना सलाम मलिक साहेब। मेरी सीधे को आन दो तीन दिन हो रहे हो जी, वर्जिश की तो गोगर तेरी हौली हो जाएगी। और कैसी तू भी बता, तू पिया कर तेरे को बंदा सुटा ले। आ फिक्र ना कर, आ मलिक तो आदर दी है। और मैं क्या कैंसी मलक दिनों बड़ी सैर कर दे। मैं क्या शीते ए मलक सोरे सोरे बड़ा दौड़ दे, एना ते कुछ कर। और फिक्र ना कर, नू रेस्ते पावांगा, 14 फरलांग च इक दो टाइम करेगा। ओ टीफे जी, साडे को सवेर दी सैर नहीं होंदी, लगदा डॉक्टर बनाना पेगा। और दफा करो जी उस डॉक्टर नू, नाले असी दुश्मन दार लोग हां मलक साहब, ते जनाब सवेरे सवेरे मुंह अंधेरे करो निकलना भी ठीक नहीं गा। मलक साहब, पुराने आ गए नी जिन्होंने सांसी वाले सैर भी नहीं करने दी। तुसी जाओ बे। तुसी ओ फुटन तो पहला तेरे को इसलिए पहुंच गया मलका के दिन का चानन कानून का हौसला बता दिंदा है। इतने आंदिया किसी ने तन वेख्या नहीं मलक शाबाज, लगता दौलत ने तेरी बहादुरी नु बुजदली का दंगा ला दिता है। साडा जुट है ते कदी खौफ ने तेरा राह नहीं सी डकिया, पर अज ते सानू वेख के तेरा मत्था गिला हो गया है। असल ही मल्लेदार होना नहीं कि मौजेदार नहीं समझते नहीं। अच्छा 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 अच्छा, हुण तू मौजज हो गया है तो बड़े तेरे मल्लेदारा नु यह नहीं पता कि सरगोदो नसन लगे तू माछियां दा भी करदा ही से। ए सरगोदा नहीं ला रे, इथे जो मैं चाहवांगा ओ होवेगा। ना ते मेरा राम होए पर बंदा वड़न लग्या मैं कदी रैम नहीं खादा। नाले वेखे ना मल्लेदारां नू इतना तंग नहीं करीदा, ओ बेचारे इक्को दिहाड़े च तेरे सारे टब्बर दे जनाजे किवें पढ़ सके। ए की कह रहे मुझ यार, मैं तारे सब दा यार हां, यह जगह ताड़ी अपनी है, जिन्हें जो दिल करता तुसी इत्थे रहो। कानून तो कभी सोच भी नहीं सकता मलक शहबाज मफरूर मुलजमान पना दे सकता है। हुण आए ना आने वाली थां ते
वे जी अरे सलमान खान तू बदमाश आदमी तू तो यार कमाल कर देता है अपनी कल तरीक में कम नहीं चलेगा जी अठाई छठाई भी मंगा ली हाँ हाँ क्यों नहीं हमीद ते बाकर होंगे तू ही शर्त आ गए बहुत मैं जनाब ने कोई शक ना कि मैं तो अन्ना तेरी शर्त लाई तू सारे कहने सुना कि मैं जिंदगी कुछ भी नहीं बन सकता यार वो भी पुरानी गल है पुलिस इंस्पेक्टर बन के बखाया कि वेरी गुड ईमान तेन यह सलूक चे बड़ी खुशी हुई अच्छा मतलब खाली खुशी हुई है मंगाना कुछ नहीं ओ आई एम सॉरी दरअसल मैं खुशी सब कुछ भूल गया रहमान जी और यार बड़ी खूबसूरत जी क्या लै गया और कह चुन नाल बिस्किट भी लेंदा ही मेरे यार वास्ते असल खान कॉलेज तू नंबर वन शरारती हूं समझ नहीं आई तू एडी जिम्मेदारी की नौकरी किसा चूज की और यूसुफ बहुत घट लोग जान रहे हैं कि हर शरारत के पीछे जहानत छुपी होती है जिस वे जेल बारह होने की कैंटी बजी सी तो मैं शूर की उंगली फड़ के हुबुल वर्नी की मंजिल टुट गया माशाला माशाला असलो खान एक पुलिस की नौकरी तुम कैसी लगी वेरी एक्साइटिंग बड़ी थ्रिल है पर यार मैं कोई खास फर्क महसूस नहीं होया जिस तरह कॉलेज के ग्राउंड फुटबॉल के पिछले दौड़ता रहना सर उस तरह हूँ मुझे वाले पिछले दौड़ता रहना ना कभी उदो थकिया सा तो ना ही कभी हो थका पर यार ऐतकी मैच जरा सख्त टीम नाल है परसों दे चार कैदी जेलों दौड़ गए ने अच्छा उन्होंने गिरफ्तार करने की मेरी ड्यूटी लस्सी ले आओ लो भी हम तुम खाना खाओ मैं चलना और तू कितने चले ओ क्रो वंजो क्रो वंजो आ परौठे आ तेल च निचड़िया चार ये मक्खन दी पीड़ी ये लस्सी दा गरमंडल ते ये आमलेट और आवे ना बड़े ये तू सानू आखरी रोटी खावन दा तने सोची बैठे नहीं रेमू नहीं ऐसी कौन कर ली किधर चलिया बोल ओए हर वेले शक दे खून इना डुबिया रिया करो मल्ले दा रोज एक अद्धा चक्कर लाना पैंदा है सिर्फ इस लई किसे दे नक तक ताड़ी खुशबू ते नहीं पहुंची जे गल ते मोड़ वन वन ओ शुरू करो बड़े कुकर ते परौठे होमवर्क कर लेता है वाह जी वाह माशाल्लाह लाला जी कौन है क्रिकेट खेलने जाओ जरूर जाओ लेकिन चलो ग्राउंड से नहीं मल्ले से नहीं लोग चाहिए नहीं तोड़ने लाला जिंदाबाद वालेकुम सलाम आप है ना खैर ही मैं फोटो यूं समा पाऊंगी अच्छा अच्छा हाँ मशीन आए बड़ी गल बजा है नदीर साहब पर मेरे हमले नु ताड़े पुत्र से पूरा पूरा शक है मैं अंदर आ सकता इंस्पेक्टर साहब आइए 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 जनाब तौबा 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 यार थाने तो खुदा के सिर्फ दुश्मन ले जाते हजूर पे सीट पे रखो कहते हैं ना और मैं रजीर साहब ले आया था अच्छा अच्छा सिफारिश बड़ी अच्छी लगी लगी सिफारिश वाली कोई गल नहीं भाई मैं सलामत नु बचपन तो जानना वो बड़ा अच्छा बच्चा है नजीर साहब बड़े नेक आदमी ने इन्हों में दोबारा तक मैं देना सलामत फैक्ट्री चोरी से कभी शामिल नहीं हो सकता नहीं 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 यार जमानत भी की लोड़ मैंने तेरी जुबान भी पूरा की
ਹੈਲੋ ਸਰ ਯਾ ਸਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਯਾ ਸਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਦਾ ਕਰੋ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸੱਚ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਬਾ ਯੂਸਫ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਗਰੀਬੀ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਸਾ ਯਾਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੋ ਖੁਰਮ ਰਵੇ ਆ ਬਈ ਆ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਰਾ ਬਾਊ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਂਡੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂਡੇ ਲੋ ਬਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਾ ਸੁਣੋ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਟ ਕੋਠੇ ਤੇ ਗਈ ਉਹ ਆਊਟ ਨਾਲੇ ਉਹ ਗੇਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਲਿਓ ਮਨ ਮੈਂ ਵਾਰੀਆਂ ਲਿਖਾਂ ਮੂਧ ਰੱਖੋ ਹਾਂ ਛੱਕੇ ਵਜਣਗੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਆ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਤੀਜੀ ਜੀ ਚੌਥੀ ਚਲੋ ਬਾਈ ਚਲੋ ਬੋਲ ਕਰਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜਲਦੀ ਆਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਗੇਂਦ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਗੇਂਦ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਜਾ ਪਿਆਰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਲੋ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡੋ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਖੇਡੋ
ਨੂੰ ਦਿਸਾਂਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਵੇ ਬਾਹੂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਈ? ਤੇਰੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਬਹੁਤਾ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਅਕਲ ਕਰ ਮਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾ। ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਦੇ ਮਾਮਾ, ਬੁੱਧੀਆਂ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਾਈ ਕੀ ਕੁਫਰ ਪਈ ਤੋਲਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਫਰ ਬਕ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਜਨਾਬ? ਤੂੰ ਇੱਥੇ? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਟੱਕਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉਂਝ ਤੇ ਬੜਾ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਕਲ ਤੈਨੂੰ ਤੇਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਈ ਹੈ?
अपनी तालीम की रोशनी न इस मुआशरे के हनेरियां किवें दूर करना है अपनी तनखा ना तू मां की खिदमत किवें करनी समझे चलो तड़के पाओ अपने रेत थोड़ा जा जोर देंगे ना पुत्र जवाब तेन जरूर मिल जाएगा जो तक यह सवाल हल ना होया ज़हन में चैन नहीं आएगा हुकम सरकार पैर दे नौ लाओ साड़ी लाओ मलक साहब जरा आराम ना लाई अच्छा जी हमारे पंडित साहब साड़ी अभी शेर चढ़ के नौ ला लग पे हो असि गाख नहीं गए असी पैसे नहीं दे ओए चूचिया लगता है तू मलक बहादुर नू जानदा नहीं कान फाड़े नहीं ते गोली मार दिया दबा हो जा चलो भी चलिए कि कचहरी लेटा हो जाइए अच्छा मलका गरीब नाल की ना ते अल्लाह को पाएगा वो डाडे ना छत्ते भी है सौ होंगे चला मैं तेरी शेर मुकावा जी मैं गार्ड में होने उठी भेजना भजन अस्सलाम वालेकुम जी सर बेहतर जी खुदा हाफिज सर तारे तू भजन एक मिनट बाहर आके मेरी गल सुनो मैं तेरे नाल बहुत जरूरी गल करनी अच्छा हाँ बोल भजन इन्हें पहचान दे लै भी रहमू चुप पत्ता की सुटे अछड़ा पांदा फिरे चौसर सही तरीके ना ला तेन ते खेडना ही नहीं आउंदा जी आ सारे मल्ले नु च सदो मशवरे देन लई चौसर ते सही ला रामू घबरा के एक बेगम सुटिया तेनू डबल बाजी विखावा ओए बड़िया बेगम कोल हुंदी तां मैं तेरे जे मुछल नाल वक्त टपांदा जवानो बाहर गए थे पुलिस आ गई है क्यों आए इंस्पेक्टर साहब असि तेरे गहरे की तलाशी लेने ले जाए मलिक शहबाज ये नहीं हो सकता तुसे अंदर नहीं जा सकते मुलजमन मसाल लिए वक्त जाया ना कर मलिक शहबाज संधू जा तरीका भी आंदा है ये तस्सुब है ये सरासर ज्यादती है ज्यादती नहीं मेरे को सर्च वारंट मौजूद है अवला
मेरे मकान का आखिरी कमरा इंस्पेक्टर, जे तेरी हाली तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई तो फिर इस कमरे का फर्श पुट लै, तो यह वेख लै कि मफरूर कि थले तरी लुके लग गए तो उन्होंने कबर ऐसे जमीन च बन गया मलिक शहबाज। कौन खेड़दा ये ताश खेड़ना जुर्म है तो फिर मैं नौकरों समेत गिरफ्तार कर ले। शर्त तो बगैर ताश खेड़ना वाकई कोई जुर्म नहीं, पर मैं पूछ सकना तू ये ताश जलाई क्यों है? जिस चीज से पैसे मैं खर्चे साहब जी उनमें साड़ा पाड़ा मेरी मर्जी है। ऐसे तो इन्हें सिगरटा भी तू ही खर्चे हो गए, पर इन्हों साड़िया तू नहीं, इसलिए कि पुलिस के नाल नाल सारा मल्ला जानता है कि तू तो तेरे नौकर सिगरट पीते ही नहीं। सिगरट दिन टोटिया ने सानू शक च पा दिता, इस शक में यकीन च बदलने लिए असं तेन थाने लैके जावे। चल मलिक साहब ने पुलिस थाने ला गई है, पर घबराने की कोई गल नहीं, होर कई तक मलिक साहब वापस आ जाएंगे। मलिक काला नवा या पै गया है तेरे नाल जिन्नी हो गई है ना उन्नी बड़ी है, इंसान का पुत्र होएगा तो याद रखेगा। अली भी अपने आप रात ना समझी, जिस दिन शक पिया फिर थाने बुला लेंगा। आउट सियाने ठीक ही कहते हैं, हम साए माफी जाए होंगे। रशीदा मैं इनकार ना करी, मैं अपने पुत्र यूसुफ ले तेरे को सवाली बन के आई हूं, सोचन की लग पई है मेरी चोली छिमो पा दे, मैं उन्हें मुंह नहीं ती बना के रखांगी। मैनू भला इस रिश्ते तो की इनकार हो सकता है, फिर तो पार भी ले जाएगा ते छिमो रवेगी मेरे नगरों के सामने। आंटी जिंदाबाद, ले बिस्मिल्ला करके शगन ले, अल्लाह दुआ दे नसीब चंगे करे। भाभी 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 ए जोड़ा दे चूड़ा छिदी छिदी पाके अपने दियोर नूं वहा तारे
मैंने शर्म आती है। शर्म आती है छेती छेती पाके वहां नहीं तो लड्डू के कोठे वाली गल ऐ हुई ना गल ले तू फटाफट जोड़ा पा मैं रानू ने लेके आया। Thank you.
साइकिल छुड़ा है, मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है। नहीं सर, ओ ना पा, फिर तो तू बिल्कुल नहीं जा सकता, नहीं तो पुलिस मैनू इस जुर्म च फड़ लेगी कि मैं तेनू क्यों छड़िया, इत्थे ही खलोते रहो पा डाकू जी। ओ मैं छड़ना, ओ पुलिस ओ अपड़ भी जाओ ना हुण, ओ काबू रख। ओ नहीं छड़दा भाजी, पर तुसीं भी तो छेती अपड़ाउणा। काबू रखना, काबू रखना। जनाब लो फड़ो, संभालो, रखो मुजरिम नूं ते मेरा साइकिल मैनू दिओ। बड़ी मेहरबानी। लो पा डाकू जी सलामा लैकम, साडी गोभी दा बेड़ा गर्क कीता जे ना, अज असीं खबरे फाके ही मरना है। ओए बाऊ। हाँ हुण की काम है बाऊ नाल तैनू? मैनू फड़वा के तू चंगा नहीं कीता। ते तू कहड़ा बंदे दे पुत्तर दा काम करदा फिरना वड्डा डाकू। बड़ी खुश हो, बड़ी मिठाइया खा रहे। पुलिस इंस्पैक्टर होते भी थानू बड़ी उत्सव के कारण मेरा पता नहीं लगा। की करता मेरे यार ने? इन्होंने एक मखरूर कैदी नु फड़ के कानून के हवाले किया। ये बड़े छुपे रुस्तम ने। मैं फड़िया सही अपना साइकिल, मफरूर तो समझ लिया जिम्मे रिकॉर्ड बटेरा आ जाता। वैसे बाबू गल मेरी समझ आई नहीं। समझ नहीं बादल करते रहते बैठ। ठीक है, थोड़ा परेशान क्यों? नहीं ऐसी तो कोई गल नहीं। असलाम, तू मेरे बचपन का यार है तो मैं तेरी तबीयत को अच्छी तरह जानता। वैसे गल दस, नाकामी ते कामयाबी दिल चो निकल के इंसान दे चेहरे ते आई, मेरा झूठ बिल्कुल ना बोलियो। साफ साफ दस्सा परेशानी की। अगर इस बार यूसुफ मैं मलक शबाब के छापे तो बड़ा मायूस होया। सख्ती भी की थी पर पक्या कुछ नहीं। वो इंदा मतलब साफ है भाई कि उन्हें किसी मखरूर ने बनाया ही नहीं दीती। नहीं 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 बाबू यूसुफ, तारा झूठ नहीं बोल सकता। तारा मतलब है तेनों इतला तारण देती सी? उन्हें अपनी अखां दे नाल मुजरमां नूं मलक शबाब दे डेरे ते वेख्या। वैसे बाबू यूसुफ, ये मुजरम खड़े जांदे ना
सितारे नु इनाम जरूर मिलना चाहिए। तन टिकन देंदी साडे खिलाफ गवाहियां देंदा फिरना है। तो निकलने की गल करो। तेन कले छे कि निकल जाइए मलका। और ताजे सजना नहीं होंगे सत्ते ही खा रहे हैं। मेरी मनो इतो जीप से बह के निकलने की गल करो। अखां दे सामने होवे ते हमदर्दी दे लखां बोल भी दुख दी एहसास नूं ठंडा नहीं कर सकते। यूसुफ, मैं तारे नूं वापस ते नहीं लिया सकता, पर इन्ना वादा जरूर करना वा
इंसानियत दे इन्हां कातलां नूं फांसी दे तख्ते तक जरूर पहुंचावांगा, जरूर पहुंचावांगा बाऊ यूसुफ। मुकदमे ने तेन मकरूज कर दिता है कि कमें दे मेरे बंदे तेरे भरा की कबर से लख 50,000 रुपया रखा। पैर भी छड़ दे क्लर्का, तेरा कुछ नहीं बनना, तू कल ते मेरे चार चेरे सजना का मिल है। मेरे हमेशा खुशियां की कहानी सुना देने मलिक साहब, मुसीबत वेले बंदा कल्ला ही रह जाता है। मारना नहीं, तू बहुत हौली मारेंगे, मैं तेन कभी मारिया।
मैं अपनी क्लास चो फर्स्ट आने वाला जी, तो स्कूल वाले ने मुझे इनाम दिता है। शाबाश शाबाश तेरा पुत्र, स्कूल वाले ने तेरू काफी इनाम दिता है। मैं अपने वीर नकदी जमा इनाम देंगा, पर ध्यान रखना की तरीक लाला तू मैं कर सकते तो मैं इनाम ही ना तो फिर तेरू फिर तंग कर दी है। रखी सिफारिश मेरे वक्त का रोग नहीं है, मेरा वादी का ही मतलब यह नहीं कि मेरे सारे काम हो जाने। अगले पूछते ने चौधरी हयात तेरा दिल की फायदा मैं हाजिर हो सकना चाहिए सर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह हो जिसमें यह नादर होना है। कल साहिल की केस की तारीख थी तो मैं तुम याद करा लिया। ओहो याद कराने वाली कैसी गल है यूसमिया रो ना सुन, तारे विच मेरे गुटू च कोई फर्क नहीं, तू बिल्कुल बेफिक्र हो गया है। मैं टाइम नाल लाल पे पहुंचा। बड़ी बड़ी मेहरबानी। सलाम अजी साहब। वालेकुम सलाम। आ भी यूसुफ तू किधर? कल ताड़ी गुआई है अजी साहब तो मैं तुम्हें याद करा ले आया। अल्लाह खैर अल्लाह खैर, सब ठीक हो जाएगा, तू घबरा ना। थोड़ी बड़ी मेहरबानी अजी साहब, बड़ी मेहरबानी। झूठे मुकदमे अंदर सन, पर जांदी वरी ताडे पुत्र दी शादी लई 5000 रुपया दे गए। 5000? आहो मल्लेदारी जो ही कबूल फरमाओ, नाले मलक साहब दा भी यही हुक्म है। एलो बिस्मिल्ला करो। जजाकल्ला जजाकल्ला, अल्लाह दादा मलक साहब ने माफ करे गुनाह सारे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम।
نابی والا میں اس مقدمے کے سب سے اہم گواہ اور محلے کے کاؤنسلر چودھری محمد حیات صاحب سے چند سوال کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. اجازت ہے. تھینک یو سر. جو کچھ کہو گے خدا کو حاضر ناظر جان کر سچ کہو گے. جی میں جو کچھ کہوں گا خدا نو حاضر ناظر جان کے سچ کہوں گا. سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہوں گا. جس وقت مقتول محمد طارق کا قتل ہوا تھا اس وقت آپ کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے؟ جناب جس دن طارق قتل ہوا سی اس دن میں اپنے عزیزی بیمار پرسی واسطے بورے والے کیا ہے سر. میلاڈ میں اس مقدمے کے اہم گواہ حاجی کریم صاحب کو پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. اجازت ہے. تھینک یو میلاڈ. حاجی صاحب کیا آپ نے ملک شہباز کو مقتول طارق کو اپنی آنکھوں سے قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں صاحب میں طارق کو قتل ہوندے نہیں دیکھیا. بے شک ملے داروں کو پوچھ لو میں تو مسیح کے اللہ اللہ کر رہا صاحب. بیانات سننے کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملک شہباز بے گناہ ہے. لہذا عدالت ملک شہباز کو باعزت طور پر بری کرتی ہے. جج صاحب Thank you.
छपरा कानून दिया फाइलों च गुआच गया है। मैं उन्हें लग बनाया हुकूमत ने कानून नु सालम दे हाथ कटन का इख्तियार भी दिता है ते इंसाफ फंडिंग का मुआवजा भी देती है। फिर की वजह के जालिम नु ते सुलम की सजा नहीं मिली ते मसलूम नु ते हिस्से का इंसाफ नहीं मिलिया। दुख दर्द ते गिले दी जुबान नु मैं चंगी तरह समझना बाबू यूसुफ पर तेरे किसी सवाल का मेरे कोई जवाब नहीं इसलिए कि अपनी पूरी कोशिश के बावजूद इस तगासा अदालत में मलिक शहबाज को कातिल साबित नहीं कर सकिया। मैं गल मन में लवा कि शहबाज मलिक तारे का कातिल नहीं पर कोई तो तारे का कातिल है कि नहीं। असलम खान तारे की लाश अखों के सामने पई सी ते तू इंस्पेक्टर बन के मेरे हाथों च तसली दिया संजीरा पा गया से। असलम खान ओदे खून दे इर्द गिर्द इट्टां जोड़ियां सन नक्शे बने सन अपने हाथ नाल एफ आई आर लिखी सही उस मार्टम रिपोर्ट भी ठीक सी फिर बातल केड़े हनेरियां च गवाच गए कि वो कानून भी नजर ना सके। मैं तेनू किस तरह समझावा कि मौका है वारदात ते अदालत आप ते मौजूद नहीं हुंदी इसलिए उन्हों गवाह दी जुबान ते इतबार करना पैंदा है। एदा मतलब है कानून अन्ना है जेड़ा गवाह दी अनक तो बाहर कुछ नहीं लग सकता कुछ नहीं लग सकता। सोए मलका किथे तेरे सज्जना दा मेला कुछ मकरूस मानू भरा के मुकदमे ने कीता सी ते कुछ मकरूस मानू एसएसए ने कीता है। मुकदमे दा फैसला लोकां दे हाथ विच सी ते एसएसए दा फैसला मैं तेन क्या सी ना मुसीबत वेले बंदा कला रह जाता है
तू बिल्कुल ठीक किया सी। सारे मेरा साथ छड़ गए नहीं। पर मैं तेरा साथ उदों तक नहीं छड़ांगा जदों तक तू ए जान नहीं छड़ जांदा। मासूम तारे दे कातिल नजर नहीं सन आए और मैं बुराई करके भी अच्छाई का दामन उठो नहीं जा छड़िया। बाहर निकल के कुत्ते दी लाश में को मैं तोड़े थारियां दे सामने इनाम करना। मलक सवार का कातिल मैं वेरी गुड असलम खान, तू वाकई दोस्ती का हक अदा किया पर मैनु इंतहाई अफसोस नाल दसना पै रहा है कि तू सिर्फ बाऊ यूसुफ का दोस्त ही नहीं महकमा पुलिस का एक जिम्मेदार अफसर भी है। मैं बहसीयत सुपरिटेंडेंट पुलिस तैनू हुक्म देना कि कानून 8 दिन के अंदर अंदर बाऊ यूसुफ चाहिए जिंदा या मुर्दा। सॉरी सर, मेरे कमजोर कंधे हुण इस फर्ज का भार नहीं चुक सकते। इसलिए मैं इंतहाई इज्जत के नाल कानून की एक एक अमानत वापस करने का ऐलान करना वा। तो मैं उम्मीद है सर कि कानून बहुत जल्द कातलों इंसाफ के कटहरे से लिया खिलारेगा, भावें वह बाऊ यूसुफ होवे या मासूम तारे के कातल। पुलिस अफसर बन के मेरे तक पहुंचता की है हम दस पुरानी दोस्ती के सदके च तेन माफ कर दिया कि पुलिस का मुखबर समझ के तेन गोली मार दिया। यार समझ के जो मर्जी है सजा दे लें पर इंस्पेक्टर समझ के गोली ना मारी, इसलिए कि तेरी मफरूरी तो बाद
कानून में मैं हमेशा लिए अपनी शराने की कबर दफन कर दिता सी। ठीक कह रहे हैं असलम खान। मैं ठीक कह रहा हूं बाबू यूसुफ। मैं इतने दिन सिर्फ यह दसन लिए आया हूं कि यूसुफ बन के मैं तेरी इज्जत ते गैरत की हिफाजत कर सकना वा, पर उन दोनों की जुदाई के दुख का इलाज नहीं कर सकता। वो एक एक सांह के नाल तंजात करती रहती ने बाबू यूसुफ, इस तो पहला कि उन्होंने याद तेरे इंतकाम की राह कंध बन जाए, तू एक बार उन्होंने मिल ले। नजर लग गई है, तू अपना की हाल बना लिए मां। काले नु कतल कर तो बाद कानून ते सालमा ने मेरे को मेरा सबक की सच्चाई भी खोली सी, ते मैं सिर्फ सोच के मलिक शबाज ते लव जात रंगे ने कि अपने हक नहीं ना लड़ना शराफत नहीं बेहयाई है। तू ठीक ही कहना होएगा पुत्रा, पर सानू दस असी मामा दियां किधर जाइए? तारे नू साडे कोले जालमा ने खोले ते तेनू कानून ने। दस लाला, जुदाई दी लंबी रात कदों मुकेगी? असी कदों तक इंतजार दी सूली ते लटकते रहांगे मां सदके? सन सच का सबक दे के पालन वाली है माए, बुराई दे समुंदर नू बन मारत्या मारत्या तेरा पुत्र रुड़ भी जाए तो उफ ना करी मां, इसलिए कि सच के तीवे हमेशा अपने लव नाली पालने पैंदे ने। यूसुफ। हां मां, अपने पुत्र दी कर दे थापड़ा दे, इसलिए कि पेंडा बड़ा ही लम्मा है ते पल्ले सिर्फ तेरिया दुआवां ने। जून जो क्या मां दा लू लू तेरे लिए सारी हयाती दुआवां करता रहेगा मां। जून जो किए तू नहीं कोई गिला ना करी, तैनू अपनी खुशियां मनाने लिए कबीर चाहिए ना बाऊ यूसुफ ना सही असलम खान सही। अच्छा मां, रब लगा खबर सुन के रोई ना, इसलिए कि इंतकाम की राह से टुरन वाले लाशा आदि ने पर आप नहीं आते। पिछों आवाज नहीं मारी दी शम्मो, राइयों के पेंडे खोटे हो जाते हैं। Thank you.
चुक जाए। एक अख मारा तेरा रुक जाए, दूजी अख मारा जमाना रुक जाए। खतरे दी साकी च छाल नहीं मारन देंगा। मैं सिकंदर खान वक्त गुजरन चंगारी इंतकाम का भांबड़ बन जाती है, इसलिए सानू बाऊ यूसुफ का सिर ला देना चाहिए। यार समझते क्यों नहीं, कला बाऊ यूसुफ ही नहीं
पुलिस भी ताड़ी जान की दुश्मन बनी हुई है। ओ बड़ा तू ही बड़े बोला है। आ जड़ी गोली है ना ए ना तो कोई वड वडेरा वेखदी है ते ना ही किसी मासूम ते तरस खांदी। बस घोड़ा नप्पो ते ड्राल करके सीने चो पार हो जांदी। रामू मेरी जान जाने जिगर दो चार दिन लई डेरा छड जाना अकलबंदी है बुजदली नहीं। ते जदो गल मठी पै जाए ते जो दिलाए करना। हेलो मफरूरी कटन का खर्चा ते ताजू हर एक नौ दी मंजिल ते पहुंचा देगा। ओ चले ओ मैं ताड़ा दोस्त हां दुश्मन नहीं। जदों तुहानू पी पवे मेरे कोल वापस आ जाना। मेरी जगीर दे दरवाजे तुहाडे सारयां लई हमेशा खुले ने। तुम क्यों पछ रहा वे शरीफ कबाड़िया कितने में दस नाम जे पूछा नहीं लिता ही ते फिर तेरे सज्जना चो एक सज्जन बशीरा मच्छर चाहिदा है। दस मैं ते एक व्यापारी हां बाबू जी। बशीरा मच्छर मेरा यार जरूर सी पर उदों जदों मेरे वल शरीफ आदमी सी। तैनू सब कुछ पता है। मन मेरे इरादे तो नहीं बदल सकता। Thank you.
पैर तुरते रहन यादा ढंग दिया रहन अखा लप दिया रहन एक ना एक दिन बंदा अपने दुश्मन तक पड़ी जाता है। Yeah.
कोई जरूरत नहीं शकीला, शेरा दी धार ते हाथियां दी चंगार सुन के कानून ते दुश्मन इत्थे आउण दी जुरत नहीं कर सकते। साडे यार दी ऐ सर्कस नूं तूं अपनी जागीर समझ ते इत्थों दा सारा अमला तेरी हर ख्वाहिश दा इतराम करेगा ते सजावल भी तेरा हर नखरा बर्दाश्त करेगा, इस लई कि सिर दे पैरां तों लैके तलियां तक चंगी लगी। हां हां क्यों नहीं क्यों नहीं, स्वागरात मनाएगी तैनू साडे प्यार दा यकीन हो जाएगा। यूसुफ तू इत्थे किस तरह पहुंची? शीरे दे लव दी लकीर ते टुरदा टुरदा तेरे तक पहुंच गया वहां। शीरा मर गया? बचना तू ही नहीं, बस सरा वारी दा गा पिछा हो गया।
खजाने नु माली नुकसान पहुंचाल लई। इस मुल्क च लखा चोर डाकू ते लुटेरे मौजूद ने साहब आदर जी, कम अज कम मेरी गिरफ्तारी ते 2 लाख रुपया खर्च होने वाला था बचाल साहब बहादुर जी। एक बंदूक लेके तू कानून दे एक मापर नु धमका नहीं आया है? मैं साहब बहादुर नहीं, एक बंदूक ताजी शान च गुस्ताखी कर ही नहीं सकती। मैं तो तुहानू अपने तो फट्टा ते उच्चा इंसान समझ के अपने दुख दिया चार गल्ला कर ली आया था। यकीन तुम जान भी जल्दी भी होगी ते मेरे इतने बेवक्त आम की परेशानी भी। आज तुहानू अपना कीमती वक्त मेरी ख्वाहिश की सोली ते कुर्बान करना ही पड़ेगा। अपनी जुबान नू लगाम दे यूसुफ, कानून बदतमीजी के जुर्म नू कदे माफ नहीं करता। तुसी मेरा कोई जुर्म माफ नहीं कर सकते ते फिर मैनू दसो उन्हां मुजरमां नू कौन माफ करता है जिहड़े नवीं नसल दे अक्खां च दर्द दीआं पुड़ियां वड़दे फिरदे ने? इंसाफ की सीधी सड़क ते दौड़न वाले घोड़े नू रिश्वत लाने ते बेईमानी की दलदल च की जा सकदी है? मुजरम इस पास्सर जमीन ते सीना चौड़ा करके फिरते ने ते शराफत शराफत अपनी जान बचाने लई नुक्कड़ नूं चबू देंदी फिरदी है। मेरे मासूम भरा तारे का भी एक जुर्म सी साहब बहादुर जी कि उन्हें कानून का मान बधाने लई उसकी मदद की थी, पर उसके बदले च कानून ने साड़ी चोली च मुजरमा के सिर नहीं ताले की लाश पाई सी। जे मैं साडे कानून तो मायूस होके 2-4 जरम पेशा कुत्ते मार दिते ने ते तुहाडे कानून ने मेरा नाम बाऊ यूसुफ तो कान रख दिता। मैनू दसो साहब जी, उस पुत्र का कातिल कौन है जेड़ा इंतकाम की राह से टुटदिया टुटदिया मां कोलों गवाच गया सी, अपनी मां कोलों गवाच गया सी? डाकखाने दे उस क्लर्क का कातिल कौन है साहब बहादुर जी जिसकी ईमानदारी से सारा महकमा फख्र करता सी? मैं अपने आप नु कातिल दी हैसीयत च पेश करन नु तैयार हां साहब बहादुर जी, पर तुहाडे कानून नू यूसुफ वापस करना पएगा जिसकी इज्जत शराफत ते ईमानदारी का कातिल सिर्फ और सिर्फ तुहाडा कानून है। अपनी नफरी नू मेरे पिछे आन तो रोक देना साहब बहादुर जी, इसलिए कि जे मैं पढ़िया भी किया ते चेर तोड़ के दुश्मन दे सिर तक कपड़ांगा, ना भी फड़िया गया कि दुश्मन मुकाम तो बाद अपने आप साड़ी सदमत पेश हो जाता। ते नाले साहब बहादुर जी, तुसी इतने वड्डे पुलिस अफसर हो, सरकार नू कह के मेरी गिरफ्तारी का इनाम भी मुका दियो, इसलिए कि सरकार के पैसे आवाम की जिंदगी मुकाल ली नहीं पताली खर्च हो गई। कानून दिया सजना, मैं ते जेलों वापस आ गया सा, पर आज तू जिंदा वापस नहीं जाएगा।
हालात ने मानू कानून का दुश्मन जरूर बना दिता है, पर हाली भी मेरे सीने विचों शराफत ते सच्चाई नहीं निकल सकी। शराफत ते रखता जे बंदूक तेरे वर्ग इंसानियत ते दुश्मना ने फड़ाई है। कातिल तेरे वर्गा मफरूर मुंसिम ते डाकू सी। अपने बंदूक की एक एक गोली मेरे सीने च फाड़ कर दे, पर मैनू डाकू ना कहो। ऐडा ही गैरत मन सै ते फिर केड़े जुर्म की सजा कट्टन लई जेल तुर गया सै। इस दुनिया के हर गरीब आदमी की तरह मैं ते मेरी भैन अपने सिर पैर दा नंग कजन लई एक जागीरदार दे खेतां विच मजदूरी कर रहे सां। ओए मैं तो कभी सोचिया भी नहीं कि मेरी जागीर च एहो जिहा मिठा फल भी लगता है। चुकया जाएगा जो हिम्मत हैगी अपनी भैन की बात छुड़ा लाओ। कानून ने जालिम का हक कटन के जुर्म च 4 साल की कैद सुनाई। मेरे लिए जेल नालों वड्डी सजा मेरी भैन सी जिदा दुश्मनों ने जीना हराम कर दिता सी। कुदरत ने कानून कोल नसण का एक मौका दिता ते तू मेरे राह दी कंध बन गया। सजा कट के पिंड वापस गया ते दुश्मनों ने वो खूह बोर दिता सी जिदे विच इज्जत बचाने लई मेरी भैन ने छाल मारी। मैं पिंड दे एक एक बंदे खलो अपनी गैरत दे कातिल दा नाम पुछया। सब दिया सबरना बंद सन पर अखां उच्ची हवेली वल तक दिया सन। मैं इंतकाम दा तूफान बन के हवेली पहुंचया। मेरी सजा मुक गई है बेखैरता, पर तेरी सजा कयामत तक नहीं मुकेगी। इसलिए कि तेनू सजा किसे जज ने नहीं एक मजलूम पैदा वीर ने तेरी है, वीर ने तेरी है। माजी मेरे घोड़े दे सोमा दी तोड़ च कुआच गया। जदों दा इस जंगली चाया ना कदी दुख वेख्या ते ना तकलीफ। इस जंगल दे जानवर इन्ने जालम नहीं जिन्ने इस दुनिया दे जागीरदार जालम ने। नारे ना दे वखो वख ने, हथियार वखो वख ने, पर शिकार इन्हां दा इक्को ही है
गरीब इंसान, इंसान ही शिकारी है, इंसान ही शिकार। जे कोई इन्हों का शिकार बन तो इनकार कर देवे तो उन्हें मेरे वांगू जंगल ते बेले मलने पैंदे ने, बेले मलने पैंदे ने। माफ करे यार, मैं तेनों समझने च गलती की थी। तू ते आप दुखां दे पंड है, ये पंड खोलने ते जा एक एक दुख मैनू अपना लगा है। मैं तेनों तेरे गुआचे हुए सुख तो नहीं मोड़ सकता, पर इना वादा जरूर करना वा, कोई भी ना दुख तेरे तक पहुंचन तो पहला मेरे को लंग के तेरे तक पहुंचेगा। ठीक है, गठली बन के कार खा रहे हो, कितना दूर पर है? मैं जो भी फैसला की था माँ, बड़ा सोच समझ के की था। मैं वो उस कार में नहीं रह सकती जिसे मेरे प्यार का दुश्मन रह रहा है। अपना फैसला बदल देती है, जवान तियां कार छड़ के नहीं जाती, प्यार कुर्बानी मांगता है माँ। सुसी थलाए छुल रही थी, सोनी चढ़ाए डुबती सी, तो हीर ने शायद प्याला पी लिया सी। मैं हम अच्छा नहीं रह सकती माँ, मैंने मेरा प्यार बुला रहा है, प्यार बुला रहा है। Thank you.
पांडे भी मान जाएंगे तो तेरा सारा काम कर देंगे। तू शर्म कर, सिर्फ शर्म। ते उदे सपने देखने छड़ दे, नहीं तो मेरे को बुरा कोई नहीं होगा। तेन की पता भी मां, तुझे बगैर मेरे दिन रात की नहीं लंघ गई। मैनू तेरी मौत नहीं जिंदगी चाहती है। और चलिया तेरे वारस भी जिंदे ने ते तेरे दुश्मन भी जिंदा ने। अपनी गिरफ्तारी दे दियो, तुहाडी जिंदगी ते मौत दे विच सिर्फ 10 सेकंड दा वक्त रह गया है। तैनूं रब दा वास्ता ही इत्थों छेती नाल निकल जा। आओ यार, मैं पुलिस नूं अपने पिछे ला के तेरी हयाती तो बड़ी दूर लै जावांगा। नहीं शेरू, नहीं, मैं इस पल दी अग विच तैनूं कल्ला किवें छड्ड जावां। बाऊ यार, तैनूं मेरी कसम ही, तैनूं मेरी कसम ही, मन जा यार। परेशानी दस रही है शेरू के तू मौत का पुल टप के इथों तक पहुंचे। शेरू, तेरे मगर पुलिस ते नहीं लगी? असी हर मुकाबले च हमेशा पुलिस नू अगे लाया सिकंदर खां, पर अज पहली बारी खज्जर नू बचाने लई असी आप पुलिस दे अगे लगे हां। ओए साडा दे कानून नाल पहले इट कुत्ते दा दायरे, पर अज पहली बारी पुलिस सानू चंगी लगी है। जे ओ तेरे पिछे ना लगदी ते तू साडा मेहमान किस तरह बनदा? मेहमान? ओए किवें हो सकता है? ओए जे सबब नाल आई गए ते देखी इनकार ना करी। वखरी गल है कि हालात मैनु तेरे को लेने सिकंदर, पर मैं किसी जागीरदार का मेहमान नहीं बन सकता। तेरी नफरत की इस कहानी मैं चंगी तरह समझदा शेरू, पर सारा जमाना जानता है कि मेरे दस्तरखान ते कभी सरकारी अफसर नहीं, हमेशा बहादुरों का इकट्ठ होया। तेनू मेरी सोनी हूं दो चार दिन इत्थे ही रही, इस तरह पुलिस भी मगरों ले जाएगी ते मेरे बंदे नू तेरी खिदमत करने का मौका भी मिल जाएगा।
ਉਹ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਖੇੜੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਹਿ ਲੈਣੇ। ਸਾਈਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। Thank you.
मौलवी साहब तुसी किड्डी शर्म दी गल है तू अल्लाह दे घर च बंदूक लै के आ गई ए अमन दी जगह है इत्थे मुहब्बत ते रहमत दे खजाने वंडे जांदे ने दुश्मन मौत बन के पीछे लगा सी इसलिए मैं अपने हथियार का विसा नहीं सखा सकता ओए मूर्खा रब दे घर च खलो के पे झूठ बोलना बाहर तो कोई बंदा ही नजर नहीं आ रहा वाकई शून्य जान बच सकती सी ये तो सारी जिंदगी मस्जिद गुजार देना एक एक करके मेरे सारे बेली मार देते हैं इस तो पहला कि मेरे तई पड़े मैं ओदी इज्जत दा जनाजा आप करते सा तू आए कौन ठी यार जान दे के भी सुलम दे इस तूफान नहीं टक मैंने ना गांव मकल बचा ले वीरा तेरे रब का वास्ता ही वीरा पंजाब छे और जिवे थलाए किसे प्यासे नु पानी नहीं ना मिलता ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਖਾਨ ਦੀ ਇਸ ਜਗੀਰ ਚ ਕਿਸੇ ਬੇਬਸ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਾਂਡੀਵਾਲ ਏ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਤੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਸ ਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਤੇ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗਾ ओ बड़ा होश नो हाथ मार के कहते जाओ वापस मुड़ जा औरत की मजबूरी तो फायदा उठाने ले बहादुर नहीं खैरत तो देने अश्के भाई अश्के कावड़े तेरे जीवे ये तेरी बहन होंगी वो बड़े तेरी नहीं ये मेरे दुश्मन बाऊ यूसुफ की बहन है
घबरी क्यों गया है? मैं कोई कूड़ तो नहीं मारिया? ओ वीरा, इन्हें ने मेरी मां कतल करके मैंने चुक लिया है। अरे बेखैरता, ए यूसुफ की भैन नहीं, और मेरी भैन है। तेरे तेरे की तेरा जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। Thank you.
जिंदगी की भीख मंगन लई हथ ना बनी सिकंदर खान जरा बेखैरत तपे मेहमान की इज्जत नु हथ पा लवे चंदा नहीं गाना चाहिदा बहु यार इना मजा ते सारी जिंदगी चीरता नहीं आया जिन्ना मजा तुहाडे दोनों कुर्बान होण दा आया इंस्पेक्टर साहब मैं अपनी गिरफ्तारी तुहाडियां इन्हां बंदूकां ते डर तो नहीं अपने जमीर को पूछ के दे रहा मैं जो जी चाहे सजा दे लेना पर रब का वास्ता जी एहो जिहा कानून जरूर बना देना कि फिर कोई मेरे जिहा आदमी इंसाफ मंगल नहीं कातिल ना बन जाए कातिल ना बन जाए Come on, 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 come on